दिल का छक्का, इरादा है ये पक्का, मैदानी ये जीते जब मारे हम छक्का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान हयात खान और टाइगर्स महफिल की एक और एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक और टाइगर जिनका नाम है तैमूर सुल्तान। तैमूर भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। इंटरव्यू का बकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये क्रिकेटिंग जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्रिकेटिंग जर्नी इस तरह था कि ट्रायल हो रहे थे हमारे स्टेडियम में, सरगोधा स्टेडियम, तो वहाँ पे मुझे कोई क्लब का लड़का था, वो शायद लेके गया था कि ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं तो तुम देखो क्या सीन है, किस तरह होते हैं। तो बस वहीं से मैंने देखा तो मुझे थोड़ा क्रेज़ हुआ खेलने का, तो फिर इसी तरह क्लब और फिर आगे जा सकते थे। सही है। अच्छा, थोड़ा सा हम लाइटर मोड की तरफ चलते हैं। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा और आपने ना उनको थोड़ी अपनी एडवाइस देनी है। तो सबसे पहले अली इमरान, बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। तो हमारे टाइगर स्क्वाड में थे नवीद अहमद, बाबा भी कहते हैं, उनको क्या आप नसीहत देंगे, क्या एडवाइस देंगे? उनको ये नसीहत दूंगा कि अपना जो है काम है उस पर ध्यान दें, मिमिक्री छोड़ दें। अच्छा, इमरान रंधावा जो अभी केपीएल भी दूसरी टीम से खेल रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि अपना एग्रेशन थोड़ा सा कम कर दें। अली वकास इज़ अ गुड मैन। आपने डिफरेंट लीग्स में खेला है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेला है, पेशावर ज़ल्मी का भी आप हिस्सा रहे, तो कौन से ऐसे बॉलर हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया? वहाब रियाज। सही। और ऐसा कौन सा स्टेडियम है जहां आपको बैटिंग करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? पाकिस्तान या कहीं भी, जहां भी आपको जहां खेले हुए वहाँ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम ड्रेसिंग रूम की तरफ चलते हैं और आप बताएं ड्रेसिंग रूम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा खाने का शौकीन है? निसार मलिक। और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी है, म्यूज़िक प्लेलिस्ट किसकी? उसामा। ठीक है। कोई ऐसा आपका रोल मॉडल है क्रिकेट में जिसको आप फॉलो करते हैं? हेमंत। और मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपको क्रिकेट के अलावा किन किन चीज़ों का शौक है? क्रिकेट के अलावा मुझे घूमने फिरने का शौक है। सही है। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपका एक्ट्रेस कोई है जिसको आप फॉलो करते हैं या आपको पसंद है? आलिया भट्ट। सही। और आप सोशल मीडिया पे कौन से ऐप पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं? व्हाट्सएप। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा, अगर आपने ये बताना होगा कि अगर वो क्रिकेटर्स ना होते तो फिर क्या होते। सबसे पहले हुसैन तलत। बिजनेसमैन। जिशान अशरफ कंडक्टर। और ये जो हमारे टाइगर्स के स्क्वाड में थे इमर्जिंग कैटेगरी में, निसार मलिक, अगर वो क्रिकेटर ना होते तो फिर क्या होते? निसार मलिक क्या हो सकता है? अच्छा, सुहेल तनवीर वो क्रिकेटर ही अच्छा। सही है। और अगर आप क्रिकेटर ना होते, तैमूर सुल्तान क्रिकेटर ना होते तो फिर क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो यही था, मैं अपना बिजनेस वगैरह यही संभाल कर। अच्छा, आपका ड्रेसिंग रूम में कोई निकनेम होगा वो क्या? मोस्टली दोस्त और ये सब टीम के नाम से मिल जाते हैं। अच्छा, अभी तक आपने जितनी क्रिकेट खेली है उसमें सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट या कौन सा मैच आपका? मेमोरेबल मोमेंट थी 2016 में हम लोग गए थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ खेलने श्रीलंका, तो वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट हमारा सेमीफाइनल था जिसमें मैंने 92 नॉट आउट किया था और हम लोग वो मैच जीते थे, तो वो बेस्ट मोमेंट थी। अच्छा, अगर आपकी PSL की अपनी टीम होती तो आप उसका क्या नाम रखते? सुल्तान्स। शहर का नाम? अच्छा, सरगोधा सुल्तान। सही है। और जाते जाते मुझे ये बताएं कि आगे के आपके क्या गोल्स हैं क्रिकेट में, क्या आप अचीव करना चाहते हैं? क्रिकेट गोल्स यही है कि बस अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है और जो आगे क्रिकेट आ रही है उस पर फोकस है मेरा, आगे फर्स्ट क्लास वगैरह आ रही है सारी, बस यही है कि अच्छा परफॉर्म, अच्छी फिटनेस के साथ पूरा सीजन खेलूँ, अच्छे रन करूँ और आगे जो है वो। थैंक यू तैमूर भाई, एक और एपिसोड के साथ हम एक बार फिर आएंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए फैज़ान हयात खान को इजाज़त दें। देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।